हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। हियर इज साइंस एंड टेक एनसीईआरटी सीरीज राइट फ्रॉम 6 to 12 लेक्चर 2। यह है आप जो सिविल सर्विसेज और एग्जामिनी के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए विशेष रूप से साइंस टेक का सीरीज चलाया जा रहा है। दीज लेक्चर्स कैन नेवर क्लेम टू बी द कंप्लीट, कभी यह कंप्लीट नहीं है, बल्कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस है जो आपको क्वेश्चंस के डायमेंशन तक पहुंचा सकता है। सो टेक दीज लेक्चर्स नोट फुल एंड फाइनल, रेदर टेक दीज लेक्चर्स एज योर राइट इनिशिएटिव्स टू target your goal to succeed in the exam, isn't it? So just let us to begin the second lecture. Science headline is technology or the devices, right? And scientific principles involved. And this is the lecture 2, isn't it? मतलब जैसे कुछ डिवाइसेज मैं बोलूँगा, जैसे जनरेटर है, तो जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सो कंटेंट्स हैव बीन सुटेबली टू चूजन, याद रखेंगे। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, से फर्स्ट वन, हमारे डिवाइसेस क्या है या टेक्नोलॉजी क्या है? स्टीम इंजन। क्या है? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। ये किस पे काम करता है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिमेंबर, राइट? दिस इज योर स्टीम इंजन, किस पे काम करेगा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये स्वयं भी आप पढ़ें। वैसे इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से भी लेक्चर बनाऊंगा, बट जब तक कि वो लेक्चर्स आता नहीं, इस बीच में आप सेल्फ स्टडी भी करें। नेक्स्ट, कम टू द सेकेंड वन, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, नॉट फ्यूजन, फिजन। न्यूक्लियर फिजन तो है, लेकिन ये कंट्रोल्ड है, उसी पे हमारा काम करेगा। कौन सा? न्यूक्लियर रिएक्टर। यदि यही हमारा एटम बम होता तो उसमें हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, याद रखेंगे, राइट? एटम बम जब होता है, यहाँ पे एक हम दे रहे हैं, यहाँ पे ऐड आपका एटम बम। एटम बम का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता? अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? नेक्स्ट, कम टू द थर्ड वन, आई थिंक टू एंड नेक्स्ट वन, दिस वन द थर्ड। नाउ कम टू द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, रेडियो और टेलीविजन में कौन का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? रेडियो और टेलीविज़न, आप रेडियो से गाना सुनते हैं, टेलीविज़न को भी, टेलीविज़न में भी देखते हैं प्रोग्राम्स, वो किस प्रिंसिपल्स पर आधारित है? तो दिस रेडियो एंड टेलीविज़न का जो प्रिंसिपल्स है वह है प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ऑल राइट? नेक्स्ट, कम टू द फोर, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का क्या प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है कंप्यूटर्स का? डिजिटल लॉजिक, रिमेंबर। नेक्स्ट फाइव, अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स,
ये किस बात पर निर्भर करेगा? दिस विल डिपेंड ऑन द सुपर कंडक्टिविटी। आपसे अपील, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सुपर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आई थिंक फाइव, देन कम टू द सिक्स वन। नाउ कम टू द रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट सेवन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज डायनमो। वी कैन कॉल इट एज द डायनमो, डायनमो भी कहते हैं इसको। एक किस सिद्धांत पर काम करेगा? फैराडेस लॉज ऑफ ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत याद रखेंगे। नेक्स्ट कम टू एट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो आप इस्तेमाल करते हैं, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काम करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत शक्ति का क्या प्रिंसिपल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? एट, नाउ कम टू द नाइन, एरोप्लेन। एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे काम, किस सिद्धांत पे काम करेगा? एरोप्लेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में विशेष एक प्रिंसिपल है, वह है बर्नौली थ्योरम। यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। रिमेंबर, एरोप्लेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, मीन्स यह हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट कम टू द टेन, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल जैसे लार्ज हेड्रोन कोलाइडर भी है, LHC, कोई पार्टिकल जो आपका एक्सेलरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। EM फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10, पार्टिकल एक्सेलरेटर किस पे काम करता है, क्या सिद्धांत है उसका पार्टिकल एक्सेलरेटर का? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। नेक्स्ट कम टू 11, सोनार। सोनार का मतलब हुआ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका सिद्धांत क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। नाउ कम टू द 12, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या काम करेगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट कम टू द 13, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तरंग का स्वभाव, राइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 14, फोटोसेल। फोटोसेल्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको देख लेना कि फोटोसेल क्या है। इस बार भी जो 60th की परीक्षा जो 12 फरवरी को हुई है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसके बारे में देख लेंगे कि फोटोसेल क्या है और उसका जो सिद्धांत है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में आप देख लेंगे। ऐसे अलग से मैं लेक्चर इस पर बनाऊंगा, ऐसे जितनी भी चीज़ें उस पर यू विल गेट अ फ्रेश लेक्चर इन द डेज टू कम। नाउ कम टू द फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर।
not fission, fusion, remember. FUSION, fusion test reactor. इसको हम बोलते हैं टकमैक भी बोलते हैं इसको. ये किस पे काम करता है? मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, रिमेंबर, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. तो यहाँ पे आपको, आपसे उम्मीद की जाती है कि प्लाज्मा क्या है इसके बारे में पढ़ें, जो आप भी जानते भी होंगे, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है. तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टकमैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, राइट. 16, जैंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT एब्रीवेशन उसका हुआ, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक वेव्स, याद रखेंगे, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक वेव. फिर मैं रिपीट करता हूँ, जैंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स. ओके, नाउ इट्स द 17, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फिफ्थ सेट ऑफ मैटर भी कहते हैं इसको. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रिमेंबर, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द सेशन.